आज वॉइस रिकॉर्डिंग सही नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको डबिंग करके बता रहा हूँ। ओके। अच्छा, इसमें ये है कि ये वेट गेनिंग सिंपल जो है, गार्ड में आपने कैसे वेट गेनर बनाना है, अपनी वेट गेनिंग के लिए ये पतले जो लड़के हैं कमज़ोर हो या जिनका मेटाबॉलिक रेट तेज़ है, मार्च होती हैं, वो कैसे अपना वेट इंक्रीज़ करेंगे इतनी सख्त गर्मी में ज़्यादा गेम, क्योंकि हर बंदे को शौक होता है ज़्यादा गेम लगाता है, तो उसके लिए है कि आपको फिर ज़्यादा डाइट भी खानी पड़ती है। और आप बचपन से सुनते होंगे वालदैन कहते हैं बेटा खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे, तो खाना तो लाजमी है, जब खाएंगे ज़्यादा खाएंगे तो बड़े होंगे, तो मसल तब भी बड़े होंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ हैक्स ही होते हैं कि बॉडी बिल्डिंग टेक्निकल काम है, तो इसमें आपने अपने माइंड के साथ खेलना होता है, ब्लड के साथ खेलना होता है। तो उसमें यही है कि आप अपनी बॉडी को सिंपल शुगर गेम के बाद जितना ज़्यादा देंगे वो उतनी जल्दी आपकी जो है ग्लाइकोजन लेवल बढ़ेगा, मसल आपके उतने जो हैं शुगर एब्जॉर्ब करेंगे, वो फैट में नहीं कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए है कि आप कोशिश करें कि सिंपल दूध ले लें, नीडो भी ले सकते हैं, या बाहर से आप सूखा दूध मिलता है खुला, वो 400 रुपये KG मिलेगा आपको, वो इस्तेमाल करें। साथ आप आधा पाव कोको पाउडर 100 रुपये का वो मिल जाएगा आपको, वो यूज़ करें, उन दोनों को मिक्स करें, ये आपका मिल्क बन जाएगा, और उसके बाद मिल्क पाउडर बन जाएगा। उसमें आपने जो है अब शुगर लेवल या कार्ब लेवल आपने बनाने हैं, तो सिंपल कार्ब के लिए आपको ये शक्कर यूज़ करना पड़ेगा जो वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं, और अगर आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब के लिए क्वेकर के बाबा जी वो जिंदाबाद हैं, अब फौजी का सीरियल भी यूज़ कर सकते हैं, 20-30 ग्राम 30 ग्राम या वैसे ही अपने मुताबिक जितना आपको पसंद हो, क्योंकि इस तरह आप इजीली खा लेंगे, 50 ग्राम खाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आपके कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और कार्बोहाइड्रेट्स मेन होते हैं आपकी साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, मसल साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, शुगर लेवल आपको चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब भी आ जाएंगे, सिंपल कार्ब भी आ जाएंगे, दोनों मसल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो इंस्टेंट आप पोस्ट वर्कआउट में यूज़ करेंगे, अगर वेट गेनर नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसके लिए बेहतर ये है कि सस्ता काम हो जाता है, तो ये यूज़ करें। और उसके बाद जो है आप प्रोटीन क्वांटिटी के लिए पीनट बटर ज़्यादा बेटर है, वो यूज़ करें, और नहीं पीनट बटर ले सकते तो फिर अंडा जिंदाबाद कच्चा अंडा यूज़ करें, लेकिन उसमें ये एहतियात करें क्योंकि गर्मी भी है और ये मैदे को डिस्टर्ब भी करता है, क्योंकि कच्चा अंडा है तो वो इस तरह इतने इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो बिगनर्स बिल्कुल ना कच्चा अंडा यूज़ करें, वो पीनट बटर यूज़ करें। अगर पुराने लड़के हैं जो लगाने वाले हैं उनको इतना मसला नहीं होता, ये जो पहले खा चुके हैं कच्चे अंडे यूज़ कर चुके हैं, तो उनके लिए मसला नहीं है, वो 1-2 अंडे जो है ये इजीली बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, टाइम लगता है, लेकिन अच्छी गेम लगाने वालों के लिए होता है। बिगनर जो है वो पीनट बटर यूज़ करें, और ऑप्शनल आप उसमें ड्राई नट्स भी डाल सकते हैं, ओलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, तो इसमें आपका फैट भी हो जाएगा, फैट भी पूरा होएगा, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, फैट भी पूरा हो गया, प्रोटीन्स भी हो गए और आपके कार्ब्स भी हो गए, तो ये एक पूरा आपका वेट गेनर बन जाएगा। ज़्यादा आप अगर ज़रूरी नहीं है परचेज़ करें आप बड़े वेट गेनर, तो इससे सिंपल जब नहीं है पैसे तो इससे आप काम चलाएं, ये बेहतर है। जैसा मैं अभी चला रहा हूँ मुझे फ़र्क पड़ा तो आपको भी पड़ेगा, और आप कमेंट्स में बताएं कि आपको वाकई ये वीडियो कैसी लगी, सही है साइज़ गेनिंग के लिए, अच्छा फार्मूला है और सस्ता फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसे आपको फ़र्क पड़ा है कि नहीं। 1-2-3 हफ्तों में तो लाजमी पड़ना चाहिए, शुगर की क्वांटिटी हमेशा गेम के बाद कमज़ोर लड़के वो उसको ज़्यादा रखें। ओके, नहीं मसो। पिंडी मसल। ओके, वीडियो की रिकॉर्डिंग आवाज़ वॉइस रिकॉर्डिंग सही नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको डबिंग करके बता रहा हूँ। ओके। अच्छा, इसमें ये है कि ये वेट गेनिंग सिंपल जो है, गार में आपने कैसे वेट गेनर बनाना है, अपनी वेट गेनिंग के लिए ये पतले जो लड़के हैं कमज़ोर हो या जिनका मेटाबॉलिक रेट तेज़ है, मार्च होती हैं, वो कैसे अपना वेट इंक्रीज़ करेंगे इतनी सख्त गर्मी में ज़्यादा गेम, क्योंकि हर बंदे को शौक होता है ज़्यादा गेम लगाता है, तो उसके लिए है कि आपको फिर ज़्यादा डाइट भी खानी पड़ती है। और आप बचपन से सुनते होंगे वालदैन कहते हैं बेटा खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे, तो खाना तो लाजमी है, जब खाएंगे ज़्यादा खाएंगे तो बड़े होंगे, तो मसल तब भी बड़े होंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ हैक्स ही होते हैं कि बॉडी बिल्डिंग टेक्निकल काम है, तो उसमें आपके अपने माइंड के साथ खेलना होता है, ब्लड के साथ खेलना होता है। तो उसमें यही है कि आप अपनी बॉडी को सिंपल शुगर गेम के बाद जितना ज़्यादा देंगे वो उतनी जल्दी आपकी जो है ग्लाइकोजन लेवल बढ़ेगा, मसल आपके उतने जो हैं शुगर एब्जॉर्ब करेंगे, वो फैट में नहीं कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए है कि आप कोशिश करें कि सिंपल दूध ले लें, नीडो भी ले सकते हैं, या बाहर से आप सूखा दूध मिलता है खुला, वो 400 रुपये KG मिलेगा आपको, वो इस्तेमाल करें। साथ आप आधा पाव कोको पाउडर 100 रुपये का वो मिल जाएगा आपको, वो यूज़ करें, उन दोनों को मिक्स करें, ये आपका मिल्क बन जाएगा, और उसके बाद मिल्क पाउडर बन जाएगा,
उसमें आपने जो है अब शुगर लेवल या कार्ब लेवल आपने बढ़ाने हैं तो सिंपल कार्ब के लिए आपको ये शक्कर यूज़ करना पड़ेगा जो वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं। और अगर आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब के लिए क्वेकर के बाबा जी वो जिंदाबाद हैं, अब फौजी का सीरियल भी यूज़ कर सकते हैं 20-30।